किसी ने कहा बरस 18 छत्री जिए बाकी जीवन को दिखता। हम 67 बरस की उम्र में आपके बीच खड़े हैं और ये कहने के लिए खड़े हैं कि हम उत्तरार्ध वाले लोग हैं, जो पूर्वार्ध वाले लोग हैं, जिनका भविष्य आगे है, हम तो अपने बोनस की जिंदगी जी रहे हैं। 18 साल के बाद जो लोग हैं, हमारे पुरखों ने हमारी नैतिक उम्र 18 साल किया। हम अपने दुश्मनों से कहना चाहते हैं, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी भी बोनस की जिंदगी जी रहा था, आनंद मोहन भी बोनस की जिंदगी जी रहा है, वस्तुतः हमारी उम्र तो 18 ही है। इतिहास गढ़ने के लिए, इतिहास पढ़ने नहीं लिखने नहीं, हम जो है लिखने और पढ़ने वाली कौम नहीं है, इतिहास गढ़ने वाली कौम है। हम हैं तो हिंदुस्तान है, हम हैं तो देश का अस्तित्व है, सत्व जिंदा है हमारी बदौलत। इसलिए हम कहने आए हैं, बंद करो ये ड्रामा। अतीक अहमद पूर्व सांसद था, उसको एनकाउंटर करने के लिए 1 मिनट लेट नहीं लगी, ऐसे हत्यारों की गिरफ्तारी के बाद स्वागत क्यों, जेल क्यों, ये सवाल गूंजता है समाज के सामने। हमने कहा हमारे खून के आंसू को कमतर मत आंको, एक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मरा है, हम चुप बैठने वाले लोग नहीं है। हम कहने आए हैं आप सबों को, हम प्रशंसा करते हैं, हम साधुवाद देते हैं भाई प्रशांत को, जो छोटा होकर एक बड़ी लकीर खींचने का काम किया है, लगातार महीनों बिना जूता चप्पल पहने के आपको निमंत्रित करने का काम किया, आप इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। हम स्वागत करना चाहते हैं भाई मकराना को, महिपाल जी को, जो मौत के तुरंत बाद कमान संभाला। हमारा दुर्भाग्य है, हमारे घर में उस दिन शादी थी, भतीजी की अपनी शादी थी, लेकिन आज हम कहने आए हैं आप आगे बढ़ो, हमको मिटाने वाला धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। किसी ने कहा हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। हम अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि चुनाव के पहले, 24 के पहले आप हिसाब किताब करो, जो पकड़ाए हम और हमारा समाज उस पर खुश नहीं है, उनको आप लाल कोठरी में नहीं, जो वहां बैठ करके आनंद मोहन एक बार कोर्ट आया, रास्ते में मेरा घर पड़ता था, मीडिया ने कहा आनंद मोहन घर चले गए, हमारा जेल ट्रांसफर, सिपाहियों को सस्पेंड किया गया, ये जेल कर्मी निलंबित हुए, बर्खास्त हुए, लेकिन आज जेल से कोई गिरोह का संचालन कर रहा है, गिन गिन कर हमारे लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। बताओ, मीडिया के लोगों से मैं पूछना चाहूंगा और सरकार से भी पूछना चाहूंगा, वो बड़े चैनल पर इंटरव्यू कैसे आते हैं, कहां से आते हैं? इसलिए ऐसे तत्व को काला पानी शिफ्ट करो। और हमारे सेना नायकों को सुरक्षा दो। महिपाल सिंह मकराना जी घूम रहे हैं, बाकी के हमारे जो समाज के नायक हैं, अगर एक का भी अब खड़ा चाहिए तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, मौत का जवाब मौत से देंगे, ये हम कहने आए हैं। साथियों, जो पकड़ाया स्पेशल कोर्ट गठित करो और एसपीडी ट्रायल चला के 24 के पहले फांसी दो, वरना
समाज पूरे देश में इसका जवाब देगा। हम सत्ता में बैठे लोगों को भी कहना चाहते हैं, बंद करो ये खेल। चोर होगा तो मनीष सिसोदिया होगा, चोर होगा तो संजय सिंह होगा, अपराधी होगा आनंद मोहन होगा, गोंडा मेरी होगा और कोई होंगे। ये खेल बंद करो। और ये बिजभूषण भाई आए कि नहीं, आए हैं कि नहीं? अगर प्रताड़ना होगी पार्टी के अंदर भी तो उनकी होगी। ये खेल बंद करो। हम इस खेल को समझते हैं, राजनीति राजपूतों ने पैदा की है, लोकतंत्र आया, वरना अगर लोकतंत्र आया लोकनीत होगा। हम घास छीनने वाले लोग नहीं है, हम राजनीति करने वाले लोग हैं, राजनीति पैदा करने वाले और राजनीति को समझने वाले। इसलिए ये गंदा नाटक देश भर में बंद हो, वरना इसकी कीमत चुकता करनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज फिर से एक बार भाई प्रशांत को, भाई पाल जी को और अन्य आयोजकों को हम साधुवाद और धन्यवाद देते हुए अपनी बात खत्म करेंगे कि हम जाने वाले हैं। आज चेतन आनंद गोगा मेरी गांव गए हैं, मैं भी जाने वाला हूं। आप सबको कहने के लिए आए हैं कि अगर ये सब नहीं होगा, जो हमारे डिमांड है वो पूरा अगर नहीं होगा, तो राजपूत कसम खाके रामलीला इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान से जा रहा है। ये सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरा देश आग का दरिया होगा।